हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवेश क्लासेस। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो है स्ट्रेस के बारे में। जो एग्जाम टाइम में स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता है उससे रिलेटेड ये आज का वीडियो है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा कि स्ट्रेस का कितना टाइप्स है। स्ट्रेस टू टाइप्स का होता है, वन पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा होता है, वो हमें पुश करता है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। तो पॉजिटिव स्ट्रेस जरूरी भी है जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जो नेगेटिव स्ट्रेस है ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। नेगेटिव स्ट्रेस में एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन अगर अपने गोल को या अपने एम को अचीव नहीं कर पाता है तो वो ये सोचता है कि उसकी लाइफ का एंड हो गया है, लाइफ खत्म हो चुकी है, और वो स्ट्रेस रेगुलरली स्ट्रेस लेता रहता है और वो एक डिप्रेशन में भी जा सकता है, डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो इसलिए ये नेगेटिव स्ट्रेस बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है। तो कैसे हमें नेगेटिव स्ट्रेस से दूर रहना है, कैसे उसको रिड्यूस करना है, तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि ड्यूरिंग एग्जाम्स हमें बिल्कुल कम से कम बातें सुननी है दूसरों की, कम से कम कम्युनिकेट करना है और लोगों के साथ। कौन क्या कहता है कि एग्जाम्स टफ था, इजी था, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, उसने बहुत स्कोर किया है। आपको इन किसी भी बातों पे ध्यान नहीं देना है, पूरी कोशिश करें कि कम से कम आप कम्युनिकेशन करें औरों के साथ। इससे होगा ये, क्योंकि आपकी लाइफ किसी भी तरीके से किसी और पर्सन के साथ रिलेटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। आपको सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, दूसरों के हिसाब से अकॉर्डिंग से आपको नहीं चलना है। किसी का पेपर बहुत अच्छा हो गया है, बहुत हाई स्कोरिंग हो गया है, तो आप उसे स्ट्रेस लेने लगे कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, कि मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया, मेरे थोड़े कम मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहली बात है स्ट्रेस को कम रखने का, रिड्यूस करने का, कि कम से कम कम्युनिकेट करें और सोशल मीडिया को हो सके जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें, क्योंकि आप न्यूज चैनल्स में भी रिव्यू सुनते रहते हैं ये पेपर इतना टफ था, स्कोरिंग बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे, कम से कम कम्युनिकेट करेंगे औरों के साथ, सोशल मीडिया को पूरी तरीके से अवॉइड करें, तो इससे आपको स्ट्रेस को नीचे रखने में, डाउन रखने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। इसमें सेकंड चीज और है कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कम इंटेलिजेंट हैं, लेस इंटेलिजेंट हैं। इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि किसी ने ज्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं तो उसका स्ट्रेटेजी आपसे बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादा मार्क्स के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी से भी लाए जा सकते हैं। हाई स्कोरिंग करना कोई बहुत ऐसा बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कुछ। आप अगर अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो यू कैन ऑल्सो स्कोर गुड मार्क्स। तो अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपका कर्म आपके साथ चलेगा, किसी और का कर्म उसके साथ चलेगा। आपकी लाइफ किसी भी तरीके से दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो दूसरों ने क्या किया है उसके हिसाब से अपने आप को स्ट्रेस देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एग्जाम में आपके कम मार्क्स आ गया या आपने हाई स्कोरिंग नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपका लाइफ का एंड हो गया है, क्योंकि भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो कई दरवाजे और खोलता है। तो बिल्कुल भी आपको इससे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बस सबसे चीज ये है कि एग्जाम्स आप दे के आइए, अच्छे से प्रिपेयर करके दे के आइए और कम्युनिकेशन कम से कम रखिए, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। सेकेंड चीज इसमें हम ये कर सकते हैं कि होता क्या है कि जब एग्जाम्स आते हैं ना तो हम लोग बिल्कुल अपने आप को है ना कट ऑफ कर लेते हैं। कट ऑफ इन द सेंस कि हम अपने आप को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं देते हैं। इससे होता क्या है, जैसे एग्जाम शुरू होते हैं हम खेलना बिल्कुल बंद कर देते हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत भी हम अपने लिए एंटरटेनमेंट के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेस बिल्ड होने लगता है। तो इसीलिए एग्जाम्स हो या कुछ भी हो, आप किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें अपने आप को थोड़ा सा समय जरूर दें, ठीक है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स जरूर खेलें, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अपना कुछ कॉमेडी सीरियल देख लें, कुछ बीच में कुछ कर लें, तो जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपने आप को है ना एक मतलब एक आइसोलेशन में बिल्कुल ना ले जाएं आपको बिल्कुल, ठीक है, अपने आप को अकेला बिल्कुल लोनली ना कर दें, ठीक है। तो बीच बीच में थोड़ा अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते रहे जिससे आप रिफ्रेश फील करें और आपकी स्ट्रेस नीचे लेवल पे रहे। तो फर्स्ट आपको कम से कम कम्युनिकेट करना है औरों के साथ, सोशल मीडिया से दूर रहना है,
जितना हो सके उतना पॉसिबल, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए बिल्कुल। तो पहला, इससे आपको स्ट्रेस दूर रखने में मिलेगा, हेल्प मिलेगा। और सेकंड, जो मैंने आपको बताया कि आप अपने लिए थोड़ा सा समय अपने आप को दें ड्यूरिंग एग्जाम्स भी, लेकिन ये ब्रेक्स जो आप दे रहे हैं ऐसा नहीं कि ये लॉन्गर ब्रेक्स हो, छोटे छोटे ब्रेक्स हो, ठीक है, जिससे आपको आप रिफ्रेश होते रहें, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ड्यूरिंग एग्जाम्स एज मच एज पॉसिबल अवॉइड जंक फूड, ठीक है ना। जंक फूड भी बहुत स्ट्रेस को बढ़ावा देता है, इंक्रीज करता है, इसलिए कोशिश करें कि जंक फूड को अवॉइड करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड मोबाइल। मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और स्ट्रेस को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए मोबाइल को पूरी तरीके से अवॉइड करें। और एक चीज और मैं कहूंगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो ग्रुप स्टडी भी करें, लेकिन ग्रुप स्टडी आप जब भी करें जब आपका ग्रुप बहुत अच्छा हो, ठीक है, अदरवाइज, वरना ग्रुप स्टडी में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो अगर, लेकिन यह है कि उससे थोड़ा स्ट्रेस कम रहता है, तो पॉसिबल हो अगर ग्रुप बहुत अच्छा है तभी, अदरवाइज ग्रुप स्टडी को अवॉइड करें आप बिल्कुल। तो अगर आप ये कुछ स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल ऊपर नहीं जाएगा और आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, क्योंकि मेंटली और फिजिकली फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस की वजह से हमने बहुत बार देखा है कि स्ट्रेस की वजह से कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं, तो इससे हमें दूर रहना है बिल्कुल। और गुड लक फॉर द फ्यूचर, थैंक यू सो मच।